अगर दोस्तों आप लोग 50,000 रुपए की बजट रेंज के अंदर एक ऐसे प्रोफेशनल कैमरे को बाय करने की सोच रहे हैं जिसके अंदर आप लोग 4K तक की वीडियो को अल्ट्रा HD क्वालिटी के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी YouTube वीडियो के लिए, या फिर आप लोग काफी अच्छी खासी फोटोग्राफी कर सकते हैं उससे, या फिर इसके अलावा अगर आप लोग एक यूट्यूबर है या क्रिएटर है और आप लोग भी अपनी वीडियो को शूट करना चाहते हैं एक प्रोफेशनल कैमरे से और उसके लिए आप लोग को 50,000 रुपए की बजट रेंज के अंदर एक तगड़ा कैमरा चाहिए, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे ही जबरदस्त कैमरे के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को 50,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बाकी दोस्तों हमारी लिस्ट में पहले नंबर का कैमरा आता है Panasonic Lumix G7। इसके अंदर दोस्तों आप लोग 4K तक की वीडियो को 25 FPS के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि दोस्तों आप लोग की वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल के आती है। इसके अंदर आप लोग को काफ़ी अच्छा ऑटो फोकस देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग की वीडियो शूट के दौरान काफ़ी काम आएगा। इसके अलावा इसके अंदर आप लोग को पूरे 16 MP का इसके अंदर आप लोग को सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग को 3x ऑप्टिकल जूम के साथ देखने को मिलेगा और इसके साथ आप लोग को 14-42 mm का एक लेंस भी देखने को मिल जाता है जिसको कि आप लोग इसके ऊपर लगा के यूज कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आप लोग को वाईफाई देखने को मिल जाएगा आप लोगों के डाटा को ट्रांसफर करने के लिए और इससे आप लोग 4K तक की फोटोज को भी शूट कर सकते हैं। और इस Panasonic कैमरे के अंदर दोस्तों आप लोग 4K तक की फोटोज शूट कर सकते हैं, साथ ही इसके अंदर आप लोग को 3 इंच की एक डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है और ये Panasonic का कैमरा आप लोग को 49 ऑटो फोकस पॉइंट के साथ देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों काफी प्रोफेशनल होता है। इसके अलावा इसके अंदर आप लोग अपनी यूट्यूब वीडियो, व्लॉग वीडियो और अगर आप लोग एक वीडियो क्रिएटर हो या फिर किसी भी तरह की वीडियो को शूट करना चाहते हैं तो ये कैमरा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। बाकी अब बात करें इसकी प्राइस की, तो ये Panasonic का कैमरा आप लोगों को फिलहाल के टाइम पे Amazon के ऊपर 41,600 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन के साथ। बाकी दोस्तों हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर का कैमरा आता है Canon EOS R100। दोस्तों ये भी 50,000 रुपए रेंज के अंदर काफी अच्छा कैमरा होगा आप लोग के लिए। इसके अंदर आप लोग को 24.1 MP का इसका कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है जिससे कि दोस्तों आप लोग काफी क्लियर क्वालिटी की वीडियो को शूट कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आप लोग को इसके साथ 18-45 mm का एक लेंस भी देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों आप लोगों को 2x ऑप्टिकल जूम के साथ देखने को मिलेगा। बाकी ये Canon का कैमरा आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है और इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को एक 3 इंच की डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है और ये दोस्तों एक फुल फ्रेम सेंसर वाला कैमरा होगा आप लोगों के लिए, तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। बाकी इसके अंदर आप लोगों को DigiCAD का प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है और ये Canon का कैमरा टाइप सी USB पोर्ट के साथ देखने को मिलेगा और इसके अंदर दोस्तों आप लोग 4K तक की वीडियो को 25 FPS के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि दोस्तों आप लोगों की वीडियो की क्वालिटी काफी जबरदस्त निकाल के देता है। बाकी ये Canon का कैमरा दोस्तों आप लोगों की YouTube वीडियो, व्लॉग वीडियो और किसी भी तरह की फोटोग्राफी वीडियो को शूट करने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। बाकी बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आप लोगों को फिलहाल के टाइम पे 48,380 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है Amazon के ऊपर। तो अगर आप लोग एक Canon का कैमरा बाय करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। बाकी हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर का कैमरा आता है Canon EOS 1500D। दोस्तों ये काफी बजट रेंज के अंदर आने वाला सबसे बेस्ट DSLR कैमरा है अब तक का क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को 24.1 MP का इसका सेंसर देखने को मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफी जबरदस्त आती है और इसके अंदर दोस्तों आप लोग अप टू 30 FPS के ऊपर वीडियो को शूट कर सकते हैं जो कि दोस्तों आप लोग की वीडियो की क्वालिटी के अंदर काफी अच्छा काम करता है। बाकी दोस्तों इसके अंदर आप लोग को सिर्फ 9 ऑटो फोकस पॉइंट देखने को मिल जाते हैं और इसके अलावा इसके अंदर दोस्तों आप लोग को 3 इंच की एक LCD डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है इसके साथ जो कि काफी अच्छी होने वाली है और ये Canon का कैमरा आप लोग को 18-55 mm के लेंस किट के साथ भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप लोग को DigiCAD 4+ का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और इसी के अंदर दोस्तों आप लोग को वाईफाई भी देखने को मिल जाता है। बाकी बात करें प्राइस की, तो एक Canon का कैमरा आप लोग को फिलहाल के टाइम पे 41,900 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा Amazon के ऊपर जो कि दोस्तों काफी अच्छा ऑप्शन है 50,000 रुपए के अंदर। बाकी दोस्तों अब हमारी लिस्ट में चौथे नंबर का कैमरा आता है Sony Alpha ZV-E10L जो कि दोस्तों 60,000 रुपए की बजट रेंज के अंदर काफी अच्छा कैमरा है। अगर दोस्तों आप लोग थोड़ा सा बजट बढ़ाकर एक कैमरा बाय करना चाहते हैं तो ये कैमरा दोस्तों आपके लिए काफी अच्छा होगा। इसके अंदर दोस्तों आप लोग को 24.2 MP का एक मिररलेस कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफी जबरदस्त होगी और इसके साथ आप लोग को इसके अंदर 16-50 mm का एक लेंस भी देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग को ऑप्टिकल जूम के साथ देखने को मिलेगा और इस लेंस को लगाने के बाद आप लोग की कैमरे की क्वालिटी काफी जबरदस्त हो जाती है। इसके अंदर दोस्तों आप लोग को इसके अलावा एडवांस ऑटो फोकस देखने को मिल जाते हैं, इसके अंदर आप लोग काफी क्लीन ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे और इसके साथ दोस्तों आप लोग इसके अंदर 4K तक की मूवी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कि काफी अच्छी बात होने वाली है। बाकी इसकी क्वालिटी होगी वीडियो की वो 4K अल्ट्रा HD तक की हो जाएगी, तो यह दोस्तों आपके लिए
काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि इस बजट रेंज के अंदर ऐसा कैमरा आप लोगों को काफी कमी देखने को मिलता है। बाकी इससे आप लोग अपने YouTube वीडियो को काफी हाई क्वालिटी के साथ शूट कर सकते हैं। बाकी बात करें इसकी प्राइस की, तो दोस्तों ये आप लोगों को फिलहाल के टाइम पे अमेजोन के ऊपर 61,400 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। माना कि दोस्तों ये 50,000 रुपए से थोड़ा महंगा कैमरा है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए अगर आप लोग थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं तो ये कैमरा दोस्तों आपके लिए काफी अच्छा कारगर साबित होगा। बाकी दोस्तों लिस्ट में पांचवे नंबर का कैमरा आता है पैनासोनिक लुमिक्स G85। दोस्तों ये भी पैनासोनिक का कैमरा आने वाला है, जो कि आप लोगों को काफी बजट के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का एक 4K मिरलेस कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, जिससे के अंदर दोस्तों आप लोगों को 14-42 mm का एक लेंस भी देखने को मिल जाएगा। बाकी ये लेंस दोस्तों आप लोगों को 3x ऑप्टिकल जूम के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात होने वाली है। बाकी इसके कैमरे की मदद से आप लोग 4K तक की वीडियो को 25 fps के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी आप लोग काफी अच्छे ऑटो फोकस के साथ कर पाओगे, जिससे कि दोस्तों आप लोगों की वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी निकल के आती है। इसके अलावा दोस्तों ये पैनासोनिक का कैमरा आप लोगों को 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे देता है, मतलब कि आप लोगों की जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो काफी अच्छी निकल के आएगी। इसके अंदर आप लोगों को वाईफाई देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आप लोगों को पूरे 49 ऑटो फोकस पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात है, क्योंकि इसी वजह से आप लोगों की जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो और भी ज्यादा अच्छी आती है। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को वाईफाई देखने को मिल जाता है और इसके अंदर दोस्तों आप लोग अपनी यूट्यूब वीडियो, फोटोग्राफी वीडियो और किसी भी तरह की वीडियो को शूट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करें लास्ट में प्राइस की, तो ये आप लोगों को फिलहाल के टाइम पे 45,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये थे ऐसे टॉप 5 बेस्ट कैमरा, जो कि आप लोगों को 50,000 रुपए की रेंज के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और इन सभी से दोस्तों आप लोग अपनी किसी भी तरह की यूट्यूब वीडियो को, फोटोग्राफी वीडियो को और वीडियोग्राफी को काफी अच्छे से कर पाओगे। नहीं, मैं नहीं मानता।